तुझे तो पता ही ना, तेरी मालकिन दूरी से सर पे चढ़ के बैठी घर पे आई हुई, और तेरे से मिलने का बहुत मन कर रहा था, तो उसको चकमा देखा है। मैंने कहा मैं तो बाहर जा रहा हूँ और शांता सब्जी लेने के लिए मंडी जा रही है, तो मैं छोड़ के आऊँगा उसे और मैं आगे चला जाऊँगा, तो इसलिए मैं तेरे को मिलना था तेरे से, तो होटल में है वो मिले हैं मैं। कंट्रोल नहीं होता, अब कंट्रोल नहीं होता। 3 दिन हो गए हम दोनों को मिले हुए, 2 दिन हो गए तो इतना हो गया, 2 दिन और सबर कर। नहीं, मेरे से ना 1 मिनट का भी सबर नहीं होता तेरे बिना। नहीं होता, नहीं, मेरी गाड़ी है ना आउट ऑफ कंट्रोल चलती है तेरे बिना, बस तू रहती है तो क्या मजा आता है तेरे साथ करने में। अब क्या बताऊँ तुझे, इसीलिए आप मुझे इस होटल में लिया, इसीलिए तेरे को ना तेरे लिए आलीशान होटल का रूम लिया है। जो करने आए ना वही करेंगे अभी हम। और बाकी तू नीचे आई थी तब तेरी मालकिन क्या कर रही थी? मालकिन तो फोन पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अच्छा, तो मैंने दूर से बोला मालकिन मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। अच्छा, और 1 घंटे बाद आ जाऊंगी। तूने 1 घंटे की तो छुट्टी ले रखी है, 1 घंटे में तुम्हें तेरी हालत खराब कर दूंगा, रुक। नहीं, 2 दिन का सब्र क्या हुआ है मेरा, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं किया, तो अब तो हालत खराब करनी पड़ेगी। फिर भी थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना। नहीं, अब तो गाड़ी है ना 180 की स्पीड से चलेगी। अगर इतनी स्पीड में चलाओगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा मेरा। मैं तो तेरा पुर्जा बिगड़ जाएगा, मैं ठीक करवा दूंगा, बट गाड़ी अब 180 की स्पीड से चलेगी, रफ्तार से चलेगी सीधी रोड पे, इतनी तेज ब्रेक भी नहीं लगेगा अभी 1 घंटा तो। अरे ऐसे करोगे तो भूचाल आ जाएगा। भूचाल तो आने दे, कुछ भी आ जाए, बट अब मैं नहीं रुकने वाला, अब तो चाहे जो आ जाए तब ही मच जाए तो मच जाए। इतने बेसबर बेसबर तो कभी कहा और कहा तेरे लिए। ये तेरे कितनी खूबसूरत है तू, तेरी इसी अदा पे तो मैं मरता हूँ। इसी अदा पे मरता जो चीज तेरे पास है वो तेरे पास थोड़ी है, ये वाली उसके वाली? ये वाली उसके पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, ऑफिस बार मीटिंग सब कुछ वो करती है। आप पे ध्यान नहीं दे मेरे पे ध्यान, उसके पास है ही कुछ ऐसा सामान भी तो नहीं है ना ध्यान देने लायक। फिर कैसा सामान है तेरे पास, देखना कैसा सामान है। ये देख, तेरे पास जो सामान है ना वो सामान किसी के पास नहीं है साल का। क्यों, उनका सामान अब एक्सपायरी होता जा रहा है क्या? उसका तो पूरा एक्सपायर हो चुका है तभी का, बट तेरा तो अभी बहुत टाइम पड़ा है।